हेलो दोस्तों, मैं अनूप एक्सेल मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इफ एंड फॉर्मूला सीखेंगे, इफ के साथ एंड को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक सैंपल डेटा रेडी है जिसमें तीन कॉलम है, फ्रूट्स, सिटी एंड सेल्स वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इफ और एंड को एक साथ कैसे यूज किया जाता है। तो हम इक्वल टू देंगे, इट्स वेरी सिंपल। इफ एंड एक साथ यूज करने का मतलब है यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं और वो सारे कंडीशंस फुलफिल होना, सारे कंडीशन ट्रू हुए तो ही हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन करके देन एंड टाइप कीजिए, देन अगेन ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉजिकल वैल्यू देना है, तो यहाँ पे लॉजिकल 1 कॉमा देके लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, ऐसे अपनी मर्जी से मल्टीपल लॉजिकल यहाँ पे दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम लॉजिकल वैल्यू देंगे इफ ए टू इक्वल्स टू एप्पल, यहाँ पे हम कॉमा देके और एक लॉजिकल वैल्यू दे सकते हैं कि बी टू इक्वल्स टू हैदराबाद। सो यहाँ पे हम इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ए वाले कॉलम में एप्पल आना चाहिए, बी वाले कॉलम में हैदराबाद आना चाहिए, उसी के बाद ही हमें सेल्स वैल्यू मिलना चाहिए। सो इफ दिस वैल्यू इज ट्रू देन कॉमा देके इफ वैल्यू इफ ट्रू हम सेल्स वैल्यू वाले कॉलम सी को सिलेक्ट करेंगे, सी टू को, और एल्स अगर कुछ ये दो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो जीरो, देन ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ है, ये कॉलम ए वाले कॉलम में एप्पल है, बी वाले कॉलम में हैदराबाद है, उसके बाद यहाँ पे सेल्स वैल्यू दिया है। इसी एप्पल मतलब एप्पल हैदराबाद में कितनी बार डिलीवरी हुआ है उनका सेल्स वैल्यू हमें जानना है। दोस्तों, ये चीज हम सिंपली समीप के जरिए भी जान सकते हैं, मगर आज मैं आपको इफ एंड फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है और इसके कंडीशंस क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स है वो दिखा रहा हूँ। इसीलिए मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ इफ एंड कैसे यूज किया जाता है। तो इसी फॉर्मूले को हम सिंपली ड्रैग कर लेते हैं कंट्रोल प्लस डी से। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जीरो है, जहाँ जहाँ पे ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ, कंडीशंस ट्रू नहीं हुआ, जीरो आ चुका है। जहाँ जहाँ पे ये कंडीशंस ट्रू है वहाँ पे अमाउंट आ चुका है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए फिल्टर डाल के एक बार देख लेते हैं। सो फिल्टर दोस्तों देखिए, यहाँ पे ए वाले कॉलम में एप्पल है, बी वाले कॉलम में हैदराबाद है और उसी का सेल्स वैल्यू हमें यहाँ पे आया है। सो यही यूज है इफ एंड फॉर्मूले का। इसे और भी बहुत सी तरीके हैं इफ एंड फॉर्मूला यूज करने के, और भी एडवांस लेवल में यूज कर सकते हैं। ऐसे एडवांस लेवल का वीडियो मैं आगे लेके आऊंगा। दोस्तों, इसमें अगर कुछ भी डाउट्स है या फिर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।